ये सारे आइटम जो भी जितने भी दिख रहे हैं कुछ बन्नो। अच्छा कपड़े धुल के सेट सेट किए जा रहे हैं। What is this, Adi? What are you doing? Chicken ऐसे करता है? Dumb ऐसे करता है? Where this train is going? Walk कैसे करता है बेटू? Walk कैसे करता है? नीचे हो गई तत्ता तत्ता नीचे हो गई। बस अब ज्यादा नहीं उड़ा दो। अरे इसके लग इतना बड़ा कैंचा सही भगवान कसम उसके ए तत्ता रो रही बेचारी। वो उसके बाल लटा उधर देखो शोल्डर पे बाल है। चलो चलो बच हो गई कटिंग दिखा दो। अच्छा कटिंग देखो मन अच्छी है एक नंबर बिट्टू एक नंबर। अब उसके बाल झाड़ो सब। वो उधर शोल्डर पे बाल है पहले वो हटा दो नहीं घुसना है ये इधर वाले पे। ये इधर वाले शोल्डर पे देखो ना इधर वाले पे यार। आदि इज प्रिपेयरिंग दुदु। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग दुदु? ऐसे बनाती है मम्मा दुदु। गुड 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 गुड। अच्छा हो गया। ओके ओके थैंक यू वेलकम वेलकम। अब सही से वेलकम बोलना सीख जाओ। कहाँ जा रही है बन्ना? वॉक करने जा रही है। ईटिंग बन्ना व्हाट आर यू ईटिंग गाइस? आदि Are you eating banana? बन्ना भाई केला खा रही है क्या? मन्नू क्या खा रही हो? मन्नू ये हेयर बैंड किसका पहना है तुमने? मन्नू को पहन लिया। कॉकरोच का छोटे छोटे कॉकरोचेस वैसे भी बहुत आते हैं ये इस साइड इधर टोकरी के नीचे बहुत ही ज्यादा आते हैं। ये इधर इसकी अभी टोकरी अगर हटा के देखोगे ना तो बहुत सारे होंगे इसमें। हाँ इनमें तो बहुत ही आ जाते हैं। पॉइजन है फिर तुम्हें भी पॉइजन लग जाएगा फिर तुम ऐसे गिर जाओगे दम। इसलिए अंदर रहो अंकल ने बोला है। अंदर ही रहो। गो 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 गो। इसलिए मम्मा ने डोर बंद कर दिया। उधर कॉकरोचेज आ रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े बिग वाले कॉकरोचेज। अंकल आए हैं ना पिटाई कर रहे हैं ना कॉकरोचेज की। हाँ इसलिए तुम बाहर नहीं आना। डोंट कम आउट। गो गो बैक। नो 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 पॉइजन है। पॉइजन अगर आदि को लगेगा फिर आदि कैसे हो जाएगा? फिर आदि कैसे रोएगा? आई रोएगी। पकड़ लिया। चलो जल्दी है। और एम्बुलेंस कौन सी है आदि? एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस है? हाँ। ऐसे चलती है एम्बुलेंस। और पजल कार कौन सी है? पजल कार पजल कार। ओ ये पजल कार है आदि की। और कार कहाँ है आदि की? कार। अच्छा ये कार है ये पजल कार और ये एम्बुलेंस। ओके की परी है? पापा नहीं मम्मा की परी है। नहीं
मामा की परी है? किसकी परी है? किसकी परी है? पापा पापा की नहीं है, मम्मा की है। अरे नहीं है, मम्मा की है। किसकी परी है? तो पापा को बुला लेना। बुलाओ, कैसे बुलाती हो पापा? कहाँ है पापा? पापा कसकी बुलाओ? मैया 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 मैया। इतना हिलो नहीं, मैं गिर जाओगी। मैंने इस बार ना नए घर के लिए काफ़ी सारे सामान लिए थे, तो वो काफ़ी दिन मतलब दिवाली से पहले ही डिलीवर हो गए थे, बट मैंने उनका अभी कोई वीडियो नहीं बनाया। और कुछ चीज़ें हैं फ्लिपकार्ट से, कुछ चीज़ें हैं मीशो से। मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से शॉपिंग करी, अदरवाइज़ मैं हमेशा फ्लिपकार्ट से ही मंगाती थी। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि मेरे लिए किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, मीशो का या फिर फ्लिपकार्ट का। वैसे मीशो फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, तो पहले दिखाते हैं प्रोडक्ट्स, देन आपको फिर बताते हैं। चलिए पहले इकट्ठे कर लेते हैं सारे प्रोडक्ट्स एक जगह। तो कुछ डब्बों में पैक हैं, कुछ निकला हुआ है, तो सब ऐसे ही है। कुछ चीज़ें मैंने दिवाली के टाइम पे निकाल ली थी। तो सबसे पहले है ये लैम्प जो मैंने दिवाली के टाइम पे निकाल ली थी। तो ये ट्राईपॉड लैम्प है, बहुत अच्छी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। ये 1299 रुपए की आई थी। और उसके बाद है ये छोटू सी टेबल, जिसको इसको भी मैंने निकाल लिया है, यूज़ में ले लिया। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये 375 रुपए की है शायद। क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी डिसबैलेंस भी है, बट लुकिंग वाइज छोटी सी क्यूटी सी प्यारी सी लगती है। तो ये प्लांट प्लांट रखने के लिए आप कोई शो पीस रख सकते हैं। बाद फिर ये है प्लांटर। ये मैंने जब देखा था तो मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े हैं, उसमें फोटो में मुझे दिख रहे थे बड़े, बट इनका साइज जो है ना, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आप इंडोर प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं आराम से। तो ये देखने में बड़े छोटे छोटे अच्छे प्यारे से लग रहे हैं। और उसके बाद का जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, चॉपर है बटरफ्लाई का, ये बिल्कुल अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। 200 रुपए के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा, काम भी बहुत अच्छा करता है। इससे सारी सब्जियां हैं, कोई भी चीज़ चॉपिंग वाली है तो आराम से चॉप हो जाती है, तो किचन में बड़े काम की चीज़ है। और इस टाइम वैसे भी मेरी मिक्सी ख़राब चल रही है, मिक्सी नहीं मिक्सी की जार ख़राब हो गए हैं, तो मिक्सी की जगह यही काम दे रहा है। इससे मैंने कई बार दही बड़े भी बनाए, दो बार बनाए, बहुत अच्छे से दाल पिसती नहीं है बट चॉप हो जाती है, उसमें बेसन मिला के थोड़ा सा और दही बड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं मेरे। उसके बाद आता है ये प्रोडक्ट, ये हैं कंटेनर्स, डब्बे हैं जो सेट है 24 का। तो इनकी क्वालिटी भी ठीक है, पैसे के हिसाब से ये भी अच्छे हैं। तो ये भी मैंने किचन के लिए मंगाया है। तो उसके बाद ये हैं ऑयल कंटेनर्स, तो ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। 160 में दो हैं, 160 के हिसाब से, दो के हिसाब से बहुत सही है, वैल्यू फॉर मनी है। क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और अच्छे भी हैं, प्लेन है बस ट्रांसपेरेंट, अच्छे हैं आराम से। तो एक ये प्रोडक्ट, ज़्यादा चीज़ें किचन की हैं। घड़ी, दीवार घड़ी मंगाई है, दीवार घड़ी वॉल क्लॉक, वो भी अभी ऐसे ही रखी हुई है बस। ये है वुडन वाली है ये भी ठीक है, 300 समथिंग की है, ये भी शायद 375 की है, तो उसके हिसाब से ठीक है। ये हैं जार, ये मंगवाए थे, ये सेट ऑफ 12 है आई थिंक, हाँ सेट ऑफ 12 है। तो ये भी अच्छे हैं, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। जो दिवाली पे लैम्प बनाई थी वो इन्हीं जार की बनाई थी, तो ये भी किचन के लिए मंगाया है। इसमें ये देखिए चने भी रखे हुए हैं, बट अभी यूज़ नहीं करे हैं, तो ये सारी चीज़ें लगाई हैं।